मई का महीना एक ख़ास महीना है, आईना किस्मत हमारा रूहानी माना आईना किस्मत मार्केट में आ चुका है। इसकी आप हार्ड कॉपी खरीद कर पढ़ सकते हैं, और जो बहन भी दूर दराज कहीं रहते हैं तो जो ताज़ा शुमारा आईना किस्मत है मई का, इसकी PDF फाइल भी तोहफ़ा मंगवा सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि मुनज्जम जंजानी ब्रदर्स की जानिब से पेशकश है कि जनवरी से लेके मई तक के शुमारे और जंजानी जंत्री और बारह इमाम जंत्री की भी PDF फाइल जो नीचे नंबर आ रहा है तो फतन तलब कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। शाह जंजानी काशान जंजानी आराम बगलोट से आपसे मुखातिब हूँ। याद रहे कि मैं अपने माना विजिट पे कराची आ चुका हूँ। मेरा क्याम फर्स्ट वीक ऑफ मई कराची रहेगा। मई का महीना गुज़श्ता जो महीना गुजर गया ये बहुत ही अहम और गैर मामूली महीने सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण की वजह से माने जाते हैं, और इसके जो ग्लोबली असरात हैं सूरज लगने के एक माह पहले एक माह बाद शुरू हो जाते हैं, और चांद ग्रहण के भी असरात जो है ये 15 दिन पहले 15 दिन कबल शुरू हो जाते हैं और बाद तक रहते हैं। सूरज ग्रहण के जो बाद असरात हैं ये 20 मार्च से स्टार्ट हैं और ये 20 मई तक रहेंगे। तब से देखिए कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, अदलिया है, कबीना है, इनमें कैसे कैसे वाक़ात हुए, और इलेक्शन जो मतवक़ थे इसके सबूतों ने जैसे भी इसी ग्रहणों की वजह से ये बद असरात देखे जा सकते हैं। और ये जो ग्रहण लग रहा है ये पाकिस्तान के जायशे के छठे घर में लग रहा है, जिसका ताल्लुक है ब्यूरोक्रेसी से, एस्टेब्लिशमेंट से, इलेक्शन के मामलों से। ये सब ग्रहण के असरात देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो बहन बहनें बेटियाँ जो उम्मीद से हैं उन्हें भी जनाब एहतियात की ज़रूरत है, बल्कि आजकल हमारी बहनें बेटियाँ ज़्यादा अवेयरनेस हासिल कर चुकी है, मीडिया ने उन्हें बड़ा बाशऊर कर दिया है। बहरहाल ग्रहणों से बचने के लिए दो नफल नमाज़ें खसूफ जो पिछले माह ग्रहण लगे उसके भी आप अदा कर सकते हैं, और इस माह जो लगेगा 5-6 मई के दरमियानी शब को सूरज और चाँद ग्रहण, इसके भी नफल अदा करके और दुआ करके ग्रहण की नौसतों से बचने की यकीन दहानी हम कर सकते हैं। चूँकि अल्लाह ताला ने हमें दुआ का हुक्म दिया है और हम दुआ करने के बाद मुतमिन होते हैं कि परवरदिगार हमारी दुआएं ज़रूर सुनेगा। सदका और खैरात बलाओं को दूर करता है, रद्द बला होता है। सूरह तौबा की आयात जो हैं 102-103 ये सदकात की अदायगी के लिए जानने के लिए बेहतरीन ये रहनमई करती हैं। और याद रहे कि मैं अपने महाना बजट में ये फर्स्ट वीक ऑफ मई कराची रहूँगा। वो बहन भाई जो किसी भी रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल सिलसिले में रहनमई लेना चाहें जो नीचे नंबर आ रहा है टाइम लेके मुलाकात कर सकते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज़।